ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा यदि कुंडली में कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है, पीड़ित स्थिति में चला जाता है तो वो कैसे परिणाम देता है, यानी कि कमजोर चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं। यदि आप ज्योतिष नहीं भी समझते हैं तो भी यदि ये लक्षण जिनके बारे में आज हम बात करेंगे जीवन में आपको दिखाई पड़ते हैं, अपने व्यक्तित्व में, अपने दिनचर्या में, तो इसका अर्थ ये है कि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में अवश्य होगा, वरना ये लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस चंद्रमा को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। उपाय जो है दो तरीके के होंगे, एक होंगे वास्तविक, दूसरे होंगे ज्योतिषीय। तो दोनों तरीके के उपायों से कैसे लाभ व्यक्ति को मिल सकता है चंद्रमा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम जान रहे हैं कमज़ोर चंद्रमा के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। जो लोग ज्योतिष से जो है अवगत हैं उनके बारे में मैं पहले बता देता हूं उनको कि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में कब माना जाता है। देखिए, सीधे तौर पर ऐसे मत समझिएगा कि चंद्रमा नीच राशि में चला गया तो वो कमज़ोर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत से लोग जिनका चंद्रमा नीच राशि में होता है, नीच राशि में कब होता है, जब वो वृश्चिक राशि में हो, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का राशि में होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने लोगों की वृश्चिक राशि है वो सारे के सारे जीवन में बहुत परेशानियां और समस्याओं का सामना करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ना ही ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है उनकी कुंडली में पीड़ित हो गया। ये बात अवश्य है कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में काफ़ी एक संवेदनशील स्थिति में होता है, वो हम कह सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि चंद्रमा कमज़ोर हो गया। अब पर यहाँ पे जो बात करते हैं कि कुंडली में अगर देखा जाए तो कैसे उसको देखा जा सकता है कि चंद्रमा पीड़ित है, बलहीन स्थिति में है। ये तब होगा जब चंद्रमा मान लीजिए नीच राशि में है, पर वो उसको मंगल से किसी भी प्रकार का जो है बल प्राप्त नहीं है, यानी मंगल खुद ब खुद पीड़ित हो रहा है और चंद्रमा जो है खराब भावों में है, दुस्थान भावों में है, या भीषण पापकर्तृ योग बनाता है, पूरी तरीके से अस्त हो जाता है, मृत्यु भाग में चला जाता है, या जिस ग्रह की वो राशि में बैठा है उस ग्रह से उसको किसी भी प्रकार का बल प्राप्त नहीं है, वो ग्रह खुद पीड़ित स्थिति में चला गया है, नवमांश में उसकी स्थिति खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थितियाँ ये बताती हैं कि चंद्रमा के ऊपर अब पाप प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसकी स्थिति कमज़ोर होती जाएगी जितना ज़्यादा पाप प्रभाव बढ़ेगा। मंगल शनि राहु केतु खास तौर से जितना ज़्यादा चंद्रमा को पीड़ित करते हैं उतना ज़्यादा चंद्रमा जो है कमज़ोर होता चला जाएगा, बलहीन होता चला जाएगा। तो ये एक स्थिति होती है कि चंद्रमा को ऐसे देख सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है, अब बात करते हैं कि चंद्रमा जो है किन चीज़ों का कारक ग्रह है, किन किन क्षेत्रों को कंट्रोल करता है, क्या क्या चीज़ें संबोधित करता है ज्योतिष में। और ज्योतिष में जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कहा है कि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पूरे ज्योतिष शास्त्र में, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और उसका बुनियादी कारण अगर कहा जाए, बहुत ही सरल है, बहुत ही लॉजिकल है, वो ये है कि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का स्वामी है। हमारी जो सोच है, विचारधारा है, हमारी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी काम करते हैं, जहां तक सोच सकते हैं, जैसा सोच सकते हैं, वो चंद्रमा के हाथ में है पूरी तरीके से। यानी कि मन पर नियंत्रण चंद्रमा का ही है, किसी और ग्रह का नहीं। मन मस्तिष्क का स्वामी ग्रह चंद्र है। तो यदि चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव दिखाई पड़ता है या किसी भी प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वो ये दिखाता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी हो सकती है। हालांकि चंद्र के अतिरिक्त जब भी चंद्रमा का हम विश्लेषण करते हैं, स्थिति पर उसको गौर से देखते हैं, उसकी स्थिति है कैसी, दो चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। चंद्र की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं, वो कब अच्छी स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है, पर एक चीज़ का दो चीज़ों को और देखा जाता है, वो है लग्न का स्वामी और बुध। लग्न का स्वामी और बुध अगर साथ ही साथ चंद्रमा अगर कमज़ोर है या बलहीन हो जाता है, और ये दोनों ग्रह भी अगर कमज़ोर हो गए तो चंद्रमा उतना ही ज़्यादा और बलहीन हो जाएगा, यानी कि अब उसके पास किसी भी प्रकार की ताकत बचेगी ही नहीं, शक्ति नहीं बचेगी अगर लग्न का स्वामी और बुध भी कमज़ोर हो गए तो। तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि चंद्र जो है जब हम देखें तो ये दो ग्रहों को भी हम ज़रूर देखते हैं ज्योतिष में। पर अब बात करते थे कि चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने कहा, हमारी मन
मस्तिष्क, भावनाएं, संवेदनाएं, सोच, विचारधारा चंद्रमा के हाथ में है। माँ का कारक ग्रह चंद्र होता है। तो चंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शरीर में पानी के तत्व को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। जो जल तत्व है शरीर में हमारे, 65% एक वयस्क के शरीर में जल तत्व होता है, वो चंद्रमा के हाथ में। और जल पूरे शरीर के एक तरीके से चलाने के लिए जिम्मेदार तत्व है। यदि वो नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो चंद्रमा उसका भी कारक ग्रह है। तो चंद्रमा जो है ना कि सिर्फ मन पर नियंत्रण करता है, बल्कि पूरे शरीर पर उसका उतना ही अधिक नियंत्रण है। तो चंद्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बनता है। अब ये बात करते हैं कि ये तो हमने जाना कि ज्योतिष से जो लोग अवगत थे उनको ये समझ सक वो ये समझ गए कि कैसे जो है कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो गया तो हम देख सकते हैं। पर अब जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, जिन लोगों को नहीं पता कि चंद्रमा कब अच्छा है या ख़राब है, तो जिन लक्षणों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको जीवन में अपने दिखाई पड़ते हैं, भले ही वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, देखिए इंटेंसिटी वेरी करती है, प्रबलता जो है वो बदलती रहती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको दिखाई पड़ेगा कि चंद्रमा ही उस इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार ग्रह है, दूसरा कोई ग्रह जिम्मेदार नहीं होता। तो यदि आप ज्योतिष नहीं समझते हैं फिर भी इन लक्षणों को अगर जीवन में महसूस कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये चंद्रमा ही जिम्मेदार ग्रह होगा उसके लिए। उसके बगैर ऐसे लक्षण जीवन में नहीं दिखाई पड़ते। अब वो लक्षण क्या है, परिणाम क्या, उनके बारे में जानते हैं। और ये जितने परिणाम हैं ये कमज़ोर चंद्रमा के हैं, ध्यान में रखें ये बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली चीज़ जो दिखाई पड़ेगी वो ये कि व्यक्ति का मानसिक गठन बहुत कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा क्या था, मन मस्तिष्क का स्वामी ग्रह। तो अब जो मेंटल डिस्पोजिशन होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति के भीतर जो है कमज़ोरी उत्पन्न करता है चंद्रमा। अब यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है, मानसिक रूप से अगर हम दिखाई पड़ता है कि गठन कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ इमोशनल इम्बैलेंस, यानी कि भावनात्मक असंतुलन जो है दिखाई पड़ता है। या तो भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि अपने आप को अभिव्यक्त करने से रोक ही नहीं पाते, किसी किसी को जैसे रोना बहुत आता है, बिना किसी बात के रो देते हैं, ये भी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा, वहीं कुछ इसके पूरा विपरीत लोग हैं जिनके अंदर भावनाएं होती ही नहीं हैं, किसी भी प्रकार की संवेदना है ही नहीं, इमोशन लेस हैं, किसी से हमदर्दी नहीं जता सकते, किसी के प्रति हमदर्दी महसूस ही नहीं होती, सांत्वना का भाव ही नहीं उत्पन्न होता अंदर से। वो क्या है, वो भी इमोशनल इम्बैलेंस है कि या तो इमोशन बहुत ज़्यादा है कि वो आदमी रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को अभिव्यक्त करने से, या बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ उसको अपने अभिव्यक्ति करनी चाहिए वहाँ चाह करके भी नहीं कर पाते। तो इमोशनल इम्बैलेंस दोनों तरीके का, या तो वेरी हाई या वेरी लो, या तो बहुत ही ज़्यादा है या कुछ भी नहीं है। तो ये चंद्रमा के कारण होता है। और सृष्टि में जितने भी भाषा के द्वारा जितने भी भावनाएं अभिव्यक्त करी जा सकती हैं, जितनी भी प्रकार की भावनाएं और संवेदनाएं अभिव्यक्त करी जा सकती हैं, सारे के सारी चंद्रमा के अधीन है। हर प्रकार का इमोशन, हर प्रकार का चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो किसी भी प्रकार का इमोशनल इम्बैलेंस है, चंद्रमा उसका कारक ग्रह है। यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मान लीजिए गुस्सा क्या है, एक इमोशन है, तो गुस्सा बहुत आ रहा है, चंद्रमा जिम्मेदार होगा। हालांकि दूसरे ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जैसे गुस्से के केस में मंगल है, सूर्य है, इनका प्रभाव बहुत पड़ जाता है। तो पर पीड़ित उसमें कौन हो रहा होगा, चंद्रमा ही पीड़ित हो रहा होगा ऐसे ग्रहों से, ये स्थिति है। तो यहाँ पे जिनको गुस्सा बहुत आता है उनके लिए भी चंद्रमा जिम्मेदार। या जो लोग अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, लोग उनको दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पर वो अपना काम करते जा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाते, अपना शोषण करवाते रहते हैं, वो भी चंद्रमा कि आप अपने आप को अभिव्यक्ति ही नहीं करते, इमोशनल इम्बैलेंस। दुख की भावना हमेशा बनी रहती है, इमोशनल इम्बैलेंस। मन कहीं नहीं लगता, इमोशनल इम्बैलेंस। ये किसी भी प्रकार का जो है भावनाओं के कारण असंतुलन है, चंद्रमा उसका कारक ग्रह। अगली चीज़ आती है कि अगर चंद्र कमज़ोर है तो व्यक्ति आसानी से लोगों के बहकावे में आता है, प्रभावित हो जाएंगे आसानी से। अपनी सोच व्यक्ति की नहीं हो पाती, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है, हमेशा असमंजस में रहते हैं, एकाग्रता बहुत ही कमज़ोर होती है, अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा होता है, चंचलता हमेशा दिमाग में घूमती रहेगी, एक चीज़ पर कभी टिक करके काम नहीं करते, हमेशा एक चीज़ को पकड़ेंगे, यानी एक चीज़ पे काम शुरू किया, चलिए आज जो है ये काम शुरू करते हैं, पढ़ाई करना बैठते हैं, पढ़ाई 5 मिनट करने बैठेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। ये स्थिति क्या है, ये चंद्रमा के कारण है कि आपका मन ही नहीं लगता,
किसी काम में मन नहीं लगता, हर काम से ऊब जाना, और एक एक हद के बाद चलिए समझ आता है, पर आप आधे घंटे में, एक घंटे में, दो घंटे में, एक दिन में ऊब जा रहे हैं, या चेंज करने का मन करता है, चलिए कुछ और करते हैं, इसमें मन नहीं लग रहा, चंद्रमा के कारण। एक चीज़ पर नियंत्रण है ही नहीं, चंद्रमा के कारण, क्योंकि मन क्या है, उसका कारक ग्रह चंद्र है। मन एक जगह स्थिर ही नहीं है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता, किसी काम में एकाग्रता नहीं आती। जिन लोगों के भीतर जो है रिएक्शन विदाउट थिंकिंग ऐसी एक ट्रेट होती है, यानी कि बिना किसी सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया कर देना, सोचते नहीं हैं, विदाउट थिंकिंग रिएक्शन दे देना, चंद्रमा के कारण। क्योंकि सोचने समझने की जो क्षमता है वो चंद्र है, मन हमारा नियंत्रण में है, वो सही दिशा में काम कर रहा है, तो व्यक्ति जो है कोई चीज़ सुनेंगे, उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसको सोचेंगे, फिर उसके बारे में अपनी कोई राय देंगे, कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पर यदि चंद्र कमज़ोर होगा तो व्यक्ति ऐसा नहीं करते। पहली चीज़ ये होती है कि एक तो जल्दी जल्दी चीज़ों को जानना चाहते हैं, समय नहीं लगाते। दूसरी चीज़, सोच जो है वो अस्थिर है, यानी कि बिना सोचे समझे अपना रिएक्शन तुरंत दे देना, चंद्रमा के कारण। बहुत ज़्यादा तनाव हमेशा रहता है, अंदर आवेग और आक्रोश भरा हुआ है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, चीज़ों में मन नहीं लगता, किसी उदासीनता का भाव है, हमेशा चेहरे पर उदासीनता भरी रहती है, यानी कि सैडनेस हमेशा जो है चेहरे पर पर्सनैलिटी में दिखाई पड़ेगी, थका थका सा चेहरा दिखाई पड़ेगा, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, डिसइंटरेस्ट की भावना हमेशा आसानी से आ जाती है या हमेशा बनी ही रहती है, चंद्रमा के कारण। ये वो लक्षण है जो चंद्रमा के कारण ही होते हैं, दूसरे ग्रहों का प्रभाव ऐसा जो है दे सकता है, ऐसे ऐसे लक्षण अलग अलग दे सकता है, पर ये होंगे चंद्रमा के कारण ही। मन हमेशा अशांत रहे, यानी कि नकारात्मक विचार आते रहते, कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं, हमेशा निगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, और अशांत मन है, यानी कि हमेशा एक किसी या किसी सोच में डूबे हुए हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, जो कि निरर्थक हैं, चंद्रमा के कारण। ये ऐसे लक्षण चंद्रमा के कारण दिखाई पड़ते हैं यदि वो कमज़ोर हो रहा है। अब इनकी जो मात्रा है, इंटेंसिटी देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो किसी किसी में ऐसे सारे लक्षण होते हैं पर वो कम हो, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बाकी क्षेत्रों में काम आसानी से कर पाते हैं, भले ही ये लक्षण जीवन में महसूस कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जिनके जीवन में इतनी ज़्यादा मात्रा है इन चीज़ों की कि वो बाकी एरियाज जो है उनकी लाइफ के वो इफेक्ट हो जाते हैं, उनमें ख़राब स्थितियाँ देखने को मिलने लगती। तो ये इंटेंसिटी जो है, जो प्रबलता है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, और ये डिपेंड किस पे करेगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है उसके ऊपर। अगली चीज़ आती है कि जैसा मैंने कहा था कि बुध और लग्न के स्वामी को भी ज़रूर देखें। हालांकि जिन लक्षणों की अब हम बात करने जा रहे हैं, इसमें बृहस्पति को भी ज़रूर देखिएगा। बृहस्पति हमारे भीतर की अच्छी आदतें हैं, इस वजह से बृहस्पति को भी ज़रूर देखिएगा। तो अब चंद्र, लग्न के स्वामी, बुध और बृहस्पति, ये चार ग्रह हैं जिनके ऊपर अगर पाप प्रभाव, मान लीजिए जितना ज़्यादा कुंडली में व्यक्ति के बढ़ते चले जा रहा है, तो उतनी ज़्यादा अब यहाँ पे कुछ अलग परिणाम है जो दिखाई पड़ेंगे। क्या है? पहली चीज़ ये कि ये जितने ग्रहों की मैंने अभी बात करी, वो अगर कमज़ोर हैं, पीड़ित होते हैं, और मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कुंडली में, तो पहली चीज़ सीधे तौर पर जो दिखाई पड़ेगी कि व्यक्ति के भीतर शरीर में षडरिपु की मात्रा अत्यधिक होगी। षडरिपु यानी कि छह प्रकार के विकार जो कहे गए एक मनुष्य के भीतर, और हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो इस सृष्टि ब्रह्मांड में जीवित है उसके अंदर ये छह विकार होंगे ही होंगे। कम मात्रा में हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, पर होंगे ज़रूर। नहीं है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो ईश्वर है। तो क्योंकि हम यहाँ सृष्टि पर हैं, इस वजह से षडरिपु हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो छह विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो छह विकार हैं, इनमें से मिनिमम कोई एक या एक से अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एक या एक से कोई अधिक। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन छह में से कोई ना कोई मिनिमम एक या एक से अधिक ज़्यादा मात्रा में होगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। जितना ज़्यादा चंद्र, लग्न के स्वामी, बुध और बृहस्पति पर पाप प्रभाव बढ़ता जाएगा, वो पीड़ित होते जाएंगे, और चंद्रमा जितना बलहीन होता चला जाएगा, उतनी ज़्यादा इनकी मात्रा शरीर में किसी न किसी एक की या एक से अधिक की बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी। और इनमें से आप खुद अपना लॉजिक इस्तेमाल करके, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सोच सकते हैं कि अगर इन छः में से किसी एक की भी मात्रा बढ़ी, तो जीवन में क्लेश पक्का उत्पन्न होगा, पक्का, और आपकी जो सोच है वो खराब तय होनी है,
होगी। यदि काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मद बढ़ गया, मोह बढ़ गया, मात्सर्य बढ़ गया, बहुत ज्यादा अगर ये बढ़े हुए हैं, होता सब में है, पर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो चंद्रमा के कारण ही है, पर बाकी जो ग्रह उनको जरूर देखिएगा। तो ये एक अलग प्रकार की स्थिति क्रिएट करते हैं कि जीवन में ऐसी सोच बनाएंगे, अब जिस जो जो विकार बहुत ज्यादा बढ़ा है, व्यक्ति उसी के प्रति, उसकी पर्सनैलिटी उसी के इर्द गिर्द बनेगी, उसी के इर्द गिर्द बनेगी, उसी विकार के इर्द गिर्द बनेगी। मान लीजिए क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा क्रोध, एक क्रोध सब में होता है, पर एक कुछ लोग होते हैं एक्सेसिव एंगर, वॉयलेंस तक की एबिलिटी जो होती है कि क्रोध में आपा खो बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं। मंगल कारक ग्रह मंगल है, पर चंद्रमा इसका पीड़ित होना अवश्य है, जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, एक षडरिपु है जो बहुत बढ़ा हुआ है, क्रिमिनल्स हैं जैसे हम कहते हैं, हम यहाँ उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग लोगों को हानि पहुंचाते हैं, जो लोग लोगों को मार देते हैं, लोगों को किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के प्रति लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, क्या है, क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है शरीर के भीतर, क्रोध की जो सबसे एक तरीके से एक्सेसिव जो लेवल है वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंगर कन्वर्ट्स इनटू वॉयलेंस, तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो वो क्या, सिर्फ एक षड्रिपु के कारण। अब ऐसे सोचिए जो छः के छः हैं उनमें से जितने बढ़ते चले जाएंगे, कौन सा बढ़ रहा है वो निर्भर करेगा कुंडली पे, पर ये होगा जरूर। अगली चीज, अब क्योंकि षड्रिपु बहुत बढ़ा, मन नियंत्रण में है नहीं, तो क्या होगा, इंद्रियों पर और मन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना, नो कंट्रोल ओवर द सेंसेस। विचारधारा बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही छोटी होती, नैरो माइंडेडनेस होंगी, बहुत ही छोटी सोच होती है व्यक्ति की। साथ ही साथ अब जितने षड्रिपु हमने बात करी, इनमें से कोई भी बढ़ते जा रहे हैं, और मिनिमम कोई मिनिमम एक या एक से अधिक होगा अवश्य, अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे क्या, दूसरे जो नेचर में, पर्सनैलिटी में ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं, अवगुण देखने को मिल सकते हैं, चंद्रमा के कारण ही होते हैं, वो हमारी सोच का कारक ग्रह क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्वार्थपरता है, भ्रष्टता है, कपट है, स्वभाव में बढ़ जाएगा, लोगों के प्रति सिर्फ निंदा करते हैं ऐसे लोग, या जिनकी आदत है कि कभी भी हमेशा कभी किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, भले ही वो कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लोग जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हो, खुद भी जानते हैं अंदर से कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी निंदा करनी है, क्रिटिसाइज करना है लोगों को किसी भी तरीके से, लेग पुलिंग है कि अपनी मेरिट पे आगे नहीं बढ़ सकते तो चलो लोगों की टांग घसीटना शुरू कर देते हैं, दूसरों के दुख में या दूसरों की समस्याओं के समय में, कठिन समय में उनको देख करके अंदर से सुख की अनुभूति होती है ऐसे व्यक्ति को। ये हो किस रहा है, सिर्फ एक ही चीज के कारण, वो है षडरिपु की मात्रा बढ़ गई, और किसी एक या मिनिमम एक से अधिक होगा जरूर। तो ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो अवगुण है, वो चंद्रमा के कारण ही होते हैं, और ये जो स्थितियां हैं, ये समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं, इस वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष जो है सीधे तौर से ये दिखाने की, बताने की कोशिश करता है कि हाँ, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे समाज का व्यवहार है, जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो व्यक्ति स्वयं हो या उसके इर्द गिर्द के लोग हों, ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि ज्योतिष उसको बता सकेगा लॉजिकली, और वही हम यहाँ जान रहे हैं, चंद्रमा इसका कारक ग्रह है, जिन चीज़ों के बारे में अभी तक हमने बात करी। इसके अलावा यहाँ पे जिन लोगों की आदत होती है, लोगों को हमेशा जज करते रहते हैं, भले ही अपनी अपनी स्थिति कैसे भी हो, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे खुद कैसे हैं, पर लोगों को जज करना है, भले ही वो जैसा मैंने कहा कि, और कभी भी जैसा मैंने कहा प्रशंसा नहीं करेंगे, निंदा करनी है, ऐसी स्थिति, खराब स्थिति, खराब मानसिकता, छोटी सोच चंद्रमा का कारण है, विचारधारा उसके हाथ में चली गई पूरी तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चंद्र, वो अगर कमज़ोर हुआ तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलनी, ये तय बात है, क्योंकि चंद्रमा एकमात्र ग्रह है जो कुंडली का बल तय करता है, जो एकमात्र ग्रह है जो राजयोगों को भंग करता है, बाकी कोई ग्रह नहीं, नवों ग्रहों में सिर्फ एक ग्रह है चंद्र जो राजयोगों को भंग कर देता है, बाकी कोई ग्रह नहीं। राजयोग घटित तभी होते हैं जब चंद्रमा से उनको परमिशन मिले, अनुमति अगर चंद्रमा की नहीं है, कितनी भी बढ़िया दशाएं चल रही हों, राजयोग का आपको कभी भी परिणाम नहीं दिखाई पड़ेगा अपने जीवन में, और ये एक नहीं असंख्य केसेस में मैंने देखा है, एक नहीं कई केसेस में, कि अच्छा समय आकर के चला गया, कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ते,
या चल रहा है तो कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा। क्यों? चंद्रमा पीड़ित है। तो जितने भी अच्छे योग हों, राजयोग हो, धन योग हो, कितने भी अच्छे योग हों, चंद्रमा अगर कमजोर हुआ, ये तय बात है जीवन में जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोच है, विचारधारा है, मन है, मस्तिष्क है। वो ऐसी स्थिति बनाएगा, ऐसा व्यवहार देगा जो कि अपने आप में असफलता का कारक बन जाता है। तो चंद्र इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब ग्रह उसके नीचे हैं, और ये लॉजिकल है इसको समझना। इसके अतिरिक्त चंद्रमा माँ का कारक होता है, तो चंद्रमा अगर जो है पीड़ित हो गया तो या ये क्या देगा? कुछ चीज़ें दे सकता है, या तो माँ के साथ संबंध बहुत ही खराब है कि बिल्कुल भी जो है अच्छे संबंध है ही नहीं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं या मन मुटाव है बहुत ज़्यादा माँ के साथ, चंद्रमा उसका कारक ग्रह। दूसरा, या माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, या माँ का सानिध्य कभी व्यक्ति को जीवन में हासिल नहीं हुआ, बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया हो, ऐसी स्थितियां अगर हैं चंद्रमा उनका जिम्मेदार ग्रह है। और चौथे भाव को भी हम देखते हैं उसका स्वामी ग्रह कैसा है, वो भी माँ को ही दिखाता है, पर चंद्र के कारण ऐसी दिखाई पड़ती हैं स्थितियां। तो अगर आप ज्योतिष नहीं भी समझते हैं और ये गुण और ये लक्षण जीवन में हैं, चाहे वो व्यक्तित्व में हो, चरित्र में हो, या जीवन में ऐसी घटनाओं में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हों, तो कुंडली देखें या हाथ में देखें ना देखें, चंद्रमा इसका कारक ग्रह अवश्य है, तय बात है। अगली चीज आती है कि चंद्रमा, जैसा मैंने कहा, ये तो हमने कुछ लक्षणों की बात करी, इसके अतिरिक्त चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है तो वो शरीर में बहुत सारी व्याधियों का कारक बनता है, बहुत सारी। एकमात्र ग्रह है, पर वो ही ग्रह हमारे मन मस्तिष्क का भी स्वामी बन जाता है, और जल तत्व का जो शरीर में चल रहा है उसका भी स्वामी ग्रह बन जाता है। तो यहाँ दो प्रकार की व्याधियाँ दिखाई पड़ती हैं, एक जो मानसिक रूप से व्याधियाँ हैं, मानसिक रोग हैं, मानसिक बीमारियाँ हैं, और मानसिक बीमारियों को यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो बुध के कारण होती है, चंद्रमा उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। मानसिक रूप से कोई रोग है, परेशानी है, वो चंद्रमा के कारण होगी, वो न्यूरोलॉजिकल नहीं। दूसरी चीज आती है कि इस अगर मानसिक रोगों के अतिरिक्त भी कई सारे और प्रकार की शारीरिक व्याधियां हैं जिनका कारक ग्रह चंद्र है, अगर ऐसी परेशानियां जीवन में देखते आ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो वो चंद्रमा के कारण ही हैं, ये तय बात है। दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार हो सकते हैं, पर ये जरूर होगा कि चंद्र के कारण ये समस्याएं होती जरूर हैं। तो बगैर चंद्र के पीड़ित हुए ये समस्याएं नहीं होंगी जीवन में, तय। पहली चीज क्या है, बात करते हैं मानसिक रोगों की, मानसिक बीमारियों की, मानसिक विकारों की, जो कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर हम योग नहीं जान रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि ऐसी बीमारियाँ यदि हैं, ऐसे शारीरिक व्याधियाँ यदि हैं, ऐसी स्थितियाँ यदि हैं, तो वो चंद्र के कारण होंगी, वो जब कमज़ोर हो जाए, बलहीन हो जाए, पीड़ित हो जाए। पर ये कौन से रोग कब हो सकते हैं, उन योगों के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, न्यूरोलॉजिकल नहीं नेचर में। पहली चीज़ क्या दिखाई पड़ेगी, बहुत हैवी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन आमतौर पर सबको महसूस होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि चंद्रमा कमजोर हो गया, पर ऐसी स्थिति है कि आप कभी भी जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर भी निर्णय नहीं ले पाते। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं ये लें या ये करें या वो करें या ये करें, छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए बड़ा आपको समय देना पड़े, सोचना पड़े, रिसर्च करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, पर छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, चंद्रमा कमजोर है। दूसरी चीज़, अंदर हमेशा भय बना रहता है, अननेसेसरी फियर, हमेशा डर लगा रहता है, किसी भी प्रकार का आकस्मिक भय, चंद्रमा खासतौर से केतु इसका कारक ग्रह होता है अगर वो पीड़ित कर रहा है इसको। दूसरी चीज आती है एंग्जाइटी है, फोबिया है, पैनिक अटैक्स हैं, बहुत ज़्यादा जैसा हमने कहा एक्सेसिव एंगर या वॉयलेंस की स्थिति है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और अहिंसात्मक प्रवृत्ति है स्वभाव में, चंद्रमा उसका कारक ग्रह बनेगा। उसके ऊपर किस ग्रह का पाप प्रभाव है वो ऐसी स्थिति जनरेट करेगा, पर पीड़ित कौन है, चंद्र। दूसरी चीज, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस रहता है, तनाव, मानसिक तनाव, मन अशांत है, एपिलेप्सी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, ADHD, OCD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, या अडिक्शंस हैं किसी भी प्रकार की बुरी लतें, चाहे वो नशे की लत हो, जुए की लत हो, सेक्स अडिक्शंस हो, चंद्रमा उनका कारक ग्रह, मन का कंट्रोलर है, मन हाथ में ही नहीं है, इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, हालांकि इसके लिए बृहस्पति भी बड़ा जिम्मेदार ग्रह होता है, वो पीड़ित होना चाहिए तभी अडिक्शंस देख पाते हैं, पर चंद्र
कारागृह बनता है। अगली चीज स्लीप रिलेटेड इश्यूज यानी नींद की बीमारियां हैं, इंसोमनिया होता है जैसे लोगों को चंद्रमा के कारण, ये किसी भी प्रकार का मानसिक आघात है, ट्रॉमा की सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं, और ट्रॉमा जो होता है वो किसी भी सडन सिचुएशन के कारण क्रिएट होता है, तो जिन लोगों ने जीवन में कभी किसी भी क्षण में किन्हीं दुर्घटनाओं का सामना किया हो, जो जिनका मानसिक आघात पहुंचा हो, चाहे वो जैसे फिजिकल वर्बल या सेक्सुअल अब्यूज़ हैं, उनके योग क्या होते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ आज, पर ये ज़रूर है कि चंद्रमा जो है जिन लोगों के जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनका मानसिक आघात पहुँचा है वो कारक ग्रह चंद्र बनता है। हालांकि इसके लिए दूसरे ग्रह जिम्मेदार हैं, वो ऐसी स्थिति जनरेट करेंगे, चंद्र कारक ग्रह बनेगा कि हाँ इसके ऊपर पाप प्रभाव जिन ग्रहों का है वैसी परेशानियां देखने को मिलेंगी, पर चंद्र कारक ग्रह बनता है ऐसी स्थितियों को जीवन में लाने का। जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज हैं चंद्रमा से होती हैं, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है चंद्रमा के कारण, तो ये तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो चंद्रमा देता है। अब बात करते हैं दूसरी शारीरिक व्याधियों की जो मानसिक नहीं है नेचर में, पर फिर भी जो है शरीर में जिन लोग इससे भी पीड़ित हैं उसमें कारक ग्रह क्या बनेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुंडली में वो शरीर को हानि पहुंचाने वाली स्थिति में बैठा है चंद्र। तो क्या है, जल का स्वामी ग्रह है, तो शरीर में पानी अगर कमज़ोर हो गया, अफ्लिक्ट हो गया, तो क्या दिखाई पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ दिखाई पड़ती है रक्त विकार यानी कि हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार के रक्त विकार, खून से संबंधी बीमारियाँ इसके अंदर आती हैं, पानी से होने वाली बीमारियाँ, ब्लड इन्फेक्शंस हैं पानी से होने वाली, चाहे जॉन्डिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है, या डेंगू है, या मलेरिया है, या बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो पानी से होती हैं, ख़राब खाने से होती हैं, ख़राब पीने से होती हैं, वो जो है चंद्रमा के कारण। जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, चंद्रमा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है शरीर में, तो जो रक्त संचार है वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम इससे क्या देख सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स बहुत प्रकार के हैं, तो किसी भी प्रकार के हैं चंद्रमा के कारण होंगे ज़रूर, अगर वो अगर जीवन में व्यक्ति उनको महसूस कर रहा है और ये देख रहे हैं कि हाँ ऐसी स्थितियाँ हैं, तो ये तय है कि चंद्रमा उसके लिए जिम्मेदार ज़रूर बनता है। अगली चीज़ आती है कफ बहुत इरेगुलर है शरीर में, तो साइनस की प्रॉब्लम है, निमोनिया है, या कोई और भी फ्लू है, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि शरीर में कफ को और बढ़ा दें, ख़राब कर डालें चंद्र। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर है यानी पाचन तंत्र जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, ख़ासतौर से आंतों को जो है चंद्र कंट्रोल करता है, तो जैसे कि किसी भी प्रकार की बीमारियां जो डाइजेशन से जुड़ी हैं, कमज़ोर पाचन तंत्र को चंद्र दिखाता है, हालांकि इसके लिए शनि बृहस्पति को भी ज़रूर देखना होता है, पर चंद्रमा जो है अगर पीड़ित है तो आंतों से जुड़ी बीमारियां भी देता है, जैसे जैसे कोलाइटिस है, प्रोक्टाइटिस है, ऐसी बीमारियां हैं, या किसी भी प्रकार की अन्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़ हैं चंद्रमा के कारण होते हैं, पर उसमें शनि बृहस्पति का भी प्रभाव बहुत होता है। या टीबी है, टीबी जो है बहुत बढ़ी हुई है समाज में, ख़ासतौर से भारत में, तो टीबी की जो प्रॉब्लम है, टीबी क्या है, इन्फेक्शन है, तो उसका कारक ग्रह कौन, चंद्र है, और उसके ऊपर पाप प्रभाव ख़ासतौर से मंगल केतु का पड़ रहा है तो हम देख पाते हैं, पर उसको ऐसे लिटरली नहीं लेना है क्योंकि हम यहाँ एग्जैक्ट योगों की बात नहीं कर रहे हैं आज। अगली चीज़ आती है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है महिलाओं के केस में, तो चाहे वो पीएमएस है, पीकॉस है, इरेगुलर मेंसेस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है चंद्रमा के हाथ में आती हैं, ऐसी कोई समस्या है चंद्रमा उसके लिए जिम्मेदार ग्रह बनेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस है शरीर में, किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, शुक्र बुध और चंद्र तीन ग्रह हैं जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ये अगर पीड़ित हुए तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होना तय है, और हार्मोन्स बहुत प्रकार के होते हैं पर कुछ एक हार्मोन्स जो चंद्रमा के अधीन है सीधे तौर पे, खास तौर से सेरोटोनिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ऐसे हार्मोन्स चंद्रमा के ही हाथ में हैं, बाकी तो दूसरे ग्रह भी अपना योगदान देते हैं, पर ओवरऑल जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तीन ग्रहों के हाथ में, चंद्र शुक्र और बुध, तो यदि वो कमज़ोर हुआ चंद्र तो ये तय बात है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में क्रिएट करेगा, हालांकि उसके लिए स्थिति बननी चाहिए वैसी। तो यहाँ पे चंद्र की हमने बात करी कि ऐसे परिणाम, ऐसे लक्षण अगर दिखाई पड़ रहे हैं जीवन में तो वो चंद्रमा के कारण है, और जैसा मैंने कहा पहले भी कि चंद्रमा एकमात्र ग्रह है जो राजयोगों तक को भंग करता है, अगर वो पीड़ित हुआ तो कितने भी ग्रह आपके बाकी सारे ग्रह मान लीजिए अपनी राशि में उच्च के भी हैं कोई फायदा नहीं, चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो वो कभी भी जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता ही
उस तरीके से उसको प्रेरित नहीं करेगी वो काम करने के लिए, वो सोच ही नहीं देगा। जो एक सोच चाहिए होती किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, सबसे पहली चीज़ है सोच। सोच ही अगर नहीं है तो आप किस चीज़ तक पहुँचेंगे? तो चंद्र वो बनाता है उस सोच को। अब सोच ही नहीं बची तो फिर बाकी ग्रह क्या करने वाले हैं? तो इस वजह से चंद्रमा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता को आज हमने समझा है। अब बात करते हैं उन उपायों की। ये तो हमने जाने की ये तो परेशानियां हैं, पर इनसे बाहर निकलना है, कैसे इनको ठीक करें। एक चीज़ है यहाँ ध्यान से सुनिए, वो ये है कि चंद्रमा के बारे में जो उन उपायों की आज हम बात करेंगे, एक तो वो पहली चीज़ वास्तविक उपाय हैं, दूसरा वो ज्योतिषीय कुछ उपाय भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर चंद्र के लिए जो उपाय होते हैं इनको पालन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। हालांकि ये हैं उपाय बहुत सरल सारे के सारे, पर जिन व्यक्तियों को ऐसी परेशानियां हैं उनके लिए इनका पालन कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। खास तौर से जिनको मानसिक रूप से परेशानियां हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। पर ये इनको करिएगा ज़रूर, ये हैं बहुत सरल उपाय हैं। तो जिन लोगों को मानसिक परेशानियां नहीं है वो तो आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं, पर जिनको सही में कुछ ना कुछ मानसिक रूप से परेशानियां हैं उनके लिए बहुत बहुत कठिन कार्य बनता है। पर फिर भी इसको कोशिश करिएगा, धीरे धीरे ही सही। इसमें समय बहुत लगता है, बहुत बहुत समय लगता है, और जीवन पर्यंत चंद्रमा के उपाय करने पड़ते हैं। तो इसको करते रहिएगा, इससे धीरे 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 ही सही इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगा। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा अगर कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ पे अब हम पहले वास्तविक उपायों की बात करेंगे। क्या करना है? शांत रहना सीखें। चंद्रमा क्या है? मन को अशांत करता है। चुप रहना सीखें। मुंह से ही चुप नहीं रहना है, दिमाग से भी चुप रहना है। यानी कि मन में जो सोचते रहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। लोग बहुत बहुत परेशानियां झेलते हैं अपने जीवन में पर फिर भी उनसे बाहर आते हैं, तो वो क्या है? अच्छे चंद्र की निशानी है। पर आपके जीवन में कोई भारी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उनका एक तिल का ताड़ बना देना कि बहुत बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि अपने आप को बीमार कर लिया है। क्या है वो? एंग्जाइटी प्रॉब्लम। अगर ऐसी है, एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बातों का, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस है, चाहे घर का स्ट्रेस है, चाहे कोई और स्ट्रेस है, सबके जीवन में परेशानियां हैं। पर उनको स्ट्रेस लेने से तो वो दूर होने वाली नहीं है, स्ट्रेस तो उसको और बढ़ा देगा। तो स्ट्रेस पहली चीज़ तो कम लें, यानी कि सोचना कम करें। क्या करना है? चुप रहना सीखें, मुंह से ही नहीं दिमाग से भी। यानी कि जो सोच है उसे थोड़ा, जो विचार अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, चुप रहना सीखें, थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठें। क्या करना है जीवन में? हर दिन प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम, आधा घंटा खाली जगह पे जहाँ एकांत है, जहाँ कोई आता जाता नहीं, आराम से बैठिए, खुला वातावरण हो, शुद्ध हो, वहाँ बैठे, काम एंड पीसफुल प्लेस पे, और चुपचाप बैठे रहें। अगर आपके दिमाग में फिर भी जो है विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, म्यूज़िक सुने, संगीत सुने, रिलैक्सिंग संगीत सुने, सूदिंग म्यूज़िक, वो भड़काऊ संगीत नहीं सुनना है, सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, जो आपको पसंद हो वो सुनिए। और म्यूज़िक जब सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, तो संगीत पे ध्यान दीजिएगा, और किसी चीज़ पे नहीं, और किसी चीज़ पे नहीं। जो दिमाग में विचार चल रहे हैं कि जीवन में और कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी स्थितियाँ चल रही हैं, नहीं सोचना है उस वक्त, उस आधे घंटे में तो नहीं सोचना है। बाकी पूरे दिन में आप सोचिए, बाकी 23.5 घंटे जीवन में पड़े हैं दिन भर में, उसमें जो सोचना है सोचिए, पर उस आधे घंटे में नहीं सोचेंगे, नहीं सोचना है, चुपचाप बैठिए। क्या करना है? ट्राई टू रिमेन एज काम एंड पीसफुल एज पॉसिबल, बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो चंद्रमा कुछ भी करते रह जाएं, जीवन भर परेशान कर डालता है, बहुत बहुत परेशानियां देता है। मेंटल डिस्ट्रेस सिर्फ दिमागी नहीं, बाकी शरीर के भी जो अन्य व्याधियां हैं उनका कारक है, मेडिकल साइंस इसको बताती है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। मेंटल स्ट्रेस अगर है तो आप पूरी बॉडी से फिट हैं, शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बीपी शुगर सब बढ़िया है, स्ट्रेस ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी जीवन में देखने जरूर मिल जाएगी। तो क्या करना है? उस आधे घंटे में चुपचाप बैठिए, शांत वातावरण में, कुछ सोचना नहीं, रिलैक्स करिए, मेडिटेट कर सकते हैं करिए, आंख बंद करके चुपचाप बैठिए, म्यूज़िक से जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बगैर म्यूज़िक के कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं कर पाते एक सूदिंग म्यूज़िक लगाइए और म्यूज़िक को फॉलो करिए, फ्लो विद द फ्लो, कुछ और नहीं सोचना है, अच्छे वातावरण में बैठना है, और संगति अच्छी रखिए। जो जीवन में आपको पता है कि हाँ ऐसे व्यक्ति भाई अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहिए, दूर रहिए उनसे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात करी चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता है, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अब वो खराब है तो आपको खराब इन्फ्लुएंस दे देंगे। तो यहाँ क्या करना है? अच्छे वातावरण में बैठना है, अच्छी संगति में बैठना है, जहाँ पर भी जाएँ स्टे इन गुड कंपनी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट।
और आधे घंटे दिन में ये इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत बहुत कारगर चीज़ है जिससे कि आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा कि धीरे धीरे ही सही डिस्ट्रेस जो था, स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो रहा है। कंसंट्रेशन की समस्या थी, एकाग्रता नहीं लगती थी, बढ़नी शुरू होगी। मन नहीं लगता था, बढ़ना शुरू होगा कि मन लगने लगेगा। चंचलता बहुत है, कम होनी शुरू हो जाएगी। निर्णय नहीं ले पाते थे, निर्णय लेने लगेंगे। सोच जो है, हमेशा गलत सोच होती थी, सही होने लगेगी। सही गलत में परिवर्तन देखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि ये सही है ये गलत है। चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति को हमेशा खराब चीज़ ही दिखाई पड़ती है, वही सही दिखाई पड़ती है। तो ये चीज़ को करने के ये प्रैक्टिकल उपाय, इसको करिएगा। मिनिमम आधा घंटा कह रहे हैं, पर इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, जिनमें मेंटल डिस्ट्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए आधा घंटा भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। तो उन आधा घंटा शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट से शुरू करिएगा, 10 मिनट तक लेके जाइए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, पर इसको करिए, बहुत ज़रूरी है। इससे ही चंद्रमा के अंदर थोड़ा, चंद्रमा क्या है, मन है, तो मन को साधिए ना, मन को साधेंगे तो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अब जिन लोगों के भीतर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, उनके लिए फिर ये उपाय कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको मेडिकल ओपिनियन ही लेनी पड़ती है। अगर मन पूरी तरीके से आपे से बाहर चला गया है, कोई बहुत ही बीमारी दे रहा है ऐसी मानसिक रूप से, तो उसके लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो वो केस की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो डॉक्टरी इलाज ही कारगर है, बाकी कुछ नहीं। पर ये उनके लिए है जो डे टू डे लाइफ में परेशानियों को महसूस करते हैं, मानसिक रूप से असंतुष्ट रहते हैं, उनके लिए इसको करिएगा ज़रूर। अगली चीज़ आती है, जिन लोगों के नहीं भी समस्या, वो भी करें इसको, वो भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनको सोच में दिक्कत है वो ही करें, सब जिनके केस में आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, इसको करा करिए। अगली चीज़ आती है कि अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग आपको जो है बेहतर कर सकती है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपको ठीक कर सकता है, या कोई छोटा सा ट्रीटमेंट से आपको लाभ पहुंच सकता है, तो उसको लेने में हिचकिचाइए नहीं, जा करके सलाह मशवरा लीजिए डॉक्टर से। अगली चीज़ आती है कि जैसा हमने बात करी थी, अगर लक्षण जो हैं खराब लक्षण चरित्र में, व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं, भारी षडरिपु के कारण, जो हमने बात करी इससे पहले, 6 विकार अगर बढ़ गए और उनके कारण कोई भारी समस्या दिखाई पड़ती हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि अपने भीतर की जो खराब स्थितियां हैं, जो लक्षण हैं, चारित्रिक विषमताएं हैं, उनको कम करने की कोशिश करें, नहीं तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और हालांकि जिन लोगों के भीतर ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से वो इस वीडियो को भी नहीं देख रहे होंगे, पर ये बात है कि अगर आपको महसूस होता है कि नहीं, वो जिन जिन षडरिपु की स्थितियों की हमने बात करी, वो अगर ज़्यादा हैं, तो उनको कम करिए। ऐसी खराब लक्षण जो हैं, वो अगर क्वालिटीज़ आपके नेचर में आ रही हैं, जिससे आपको ही नहीं, समाज में और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी नुकसान पहुँचता है, कम करें उसको। क्योंकि अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, तो उसको हानि भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखें, वरना चंद्र से कभी भी जीवन में लाभ नहीं उठाएंगे, सिर्फ नुकसान उठाएंगे। अगली चीज़ आती है कि लोगों की सुनना सीखिए। चंद्रमा जो है अगर कमज़ोर हो जाता है, तो एक तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो उसके लिए तो मैंने आपको एक उपाय बताया ही है। दूसरी चीज़, जो भी समझदार व्यक्ति आपको लगते हैं अपने जीवन में, आपके घर परिवार के लोग हों, दोस्त हों, मित्र, कुछ भी हों, उनसे जो है आपको लगता है कि हाँ, इनसे कोई एक इनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं, इनसे कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती, कंसल्ट करके कोई काम किया करिए, सोच समझ के जो है काम करिए, रिएक्शन विदाउट थिंकिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है कि जिन लोगों को मानसिक बीमारियां नहीं हैं, पर चंद्रमा के कारण बाकी रोग हैं, जिनके बारे में हमने बात करी अभी, तो उनको क्या करना चाहिए, बॉडीली एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पीड़ित है, तो शारीरिक गतिविधि बढ़नी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए शरीर में। चलिए, हैवी एक्सरसाइज करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर कभी भी दिन में आधा घंटा 1 घंटा चलिए, टहलिए, या वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, जो आपका मन हो करें। क्योंकि शरीर में रक्त प्रवाह सही होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, वो तभी होगा जब एक्सरसाइज आपके बॉडी में हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगली चीज़ आती है, खासतौर से घास पे अगर चल पाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, नंगे पैर। दूसरा, योग है, प्राणायाम है, ये भी बहुत मदद करते हैं। और चंद्रमा जिन लोगों का कमज़ोर है, उनको खाना जो है बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। यानी कि अगर वो पीड़ित हुआ, तो आपका फूड इंटेक खराब कर देगा, ब्लड इन्फेक्शन आसानी से होंगे, पानी से होने वाली बीमारियाँ, खराब खाने से होने वाली बीमारियाँ आसानी से होती हैं, पेट हमेशा खराब रहता है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स,
बने रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो खाना और पानी दोनों शुद्ध हों, इसका ध्यान दें। दूसरा, बहुत भारी खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करिए, अनहाइजीनिक खाना अवॉइड करिए, बहुत ठंडी चीज़ें हैं कम खाइए, खाइए पर कम खाइए, अक्सर न खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं पर रात को ना खाएं, जिनको खास तौर से पेट की प्रॉब्लम्स हैं तो रात में, जैसे जिनको पेट की समस्याएं हैं वो दूध पी करके रात में नहीं सोएं, सुबह पिए, दोपहर में पिए या शाम को पिए, रात में नहीं, पर इसको लेना ज़रूर है, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाइए। अमरूद अगर मिलता है अमरूद खाइए, अमरूद से बहुत फ़ायदा होता है, खासतौर से 250 ग्राम कम से कम एक दिन में, एक पर डे, और मिनिमम 3-4 महीने तक तो खाइए ही खाइए लगातार, अगर ऐसी स्थितियां हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, चांदी के जग में पानी पी सकते हैं, बॉटल में पानी पी सकते हैं, और पानी और खाना जैसा मैंने कहा शुद्ध होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपायों की। जो ज्योतिषीय उपाय हैं उनमें क्या है कि चांदी की चेन है, इसको पहना जा सकता है गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन रात में चंद्रोदय के बाद। दूसरी चीज़ है हाथ के दोनों अंगूठों में आप जो है चांदी के छल्ले पहन सकते हैं, रिंग्स, सिल्वर रिंग्स पहनी जा सकती हैं वही सेम डे। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना किया करें। इसमें क्या करना है कि शिवलिंग एक खरीदें और शिवलिंग पर जो है अगर सांप बने हैं तो बहुत बेहतर है, तो शिवलिंग पर रोज़ सुबह जल और दूध चढ़ाएं और उसको चढ़ाने के बाद सफ़ेद चंदन लगाएं और अपने माथे पर लगाएं, और उसके बाद दो मंत्र हैं भगवान शंकर के जिनको हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे स्तोत्र हैं, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, पर दो मंत्र हैं जो आप रुद्राक्षी माला पे पढ़ सकते हैं। एक है ओम रुद्राय नमः, इसको जो है जितनी भारी ज़्यादा समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं कम से कम 5 माला एक दिन में पर डे ओम रुद्राय नमः और रुद्राक्ष की, और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र, 1 माला कम से कम करें। तो इतना ये भगवान शिव की आराधना काफ़ी बेहतर मानी जाती है चंद्रमा के ठीक करने के लिए ज्योतिष में। और दान की अगर बात करी जाए तो दान दे सकते हैं चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि दूध है, दही है, चीनी है, चावल है, कोई सफ़ेद चीज़ें हैं, कपड़े हैं, मिठाई है सफ़ेद, सोमवार के दिन दान कर सकते हैं। गाय को, खासतौर से सफ़ेद रंग की गाय को रोटी खिला सकते हैं चीनी डाल के अपने हाथों से बना के, तो ये चीज़ें जो हैं करें, ये ज्योतिषीय उपाय हैं, पर जो हमने बात करी वास्तविक उपाय वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ज़रूर करें। ये उपाय हैं जो कि हमने बात करी आज दोनों चीज़ों की, लक्षणों की और उपायों की। तो अब आपको बहुत क्लियरली समझ आया होगा कि चंद्रमा के लक्षण कैसे होते हैं, कब वो कमज़ोर हो जाता है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।